हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। एक प्यारी वाली वो भी हमारे सवाई माधोपुर से। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2021। आज की ब्लॉगिंग हो रही है मेरे छत पे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नहीं। देखो अभी मेरा छत कितना खाली है ये देखना, थोड़ा सुबह मतलब 1-2 घंटे होने दो तब देखना यहाँ पे कितनी तगड़ी वाली भीड़ लगी और कितना हल्ला चिल्ला होगा। लेकिन अभी तक सूरज नहीं उगा और सूरज की एक भी किरण अभी तक मेरे मुंह पे नहीं पड़ी है, तो अभी मजा नहीं आ रहा क्योंकि मुझे विटामिन डी की कमी लग रही है। तो विटामिन डी यहाँ से नहीं मिल रहा, तो मैं चलता हूँ चाय से लूंगा। शायद चाय में मिल जाए विटामिन डी। वैसे विटामिन चाय में कोई विटामिन नहीं होता, लेकिन एक अलग वाली एनर्जी होती है, मजा आता पीने में। तो चलता हूँ नीचे, चाय वाय बनाता हूँ, देखता हूँ चाय बनाने के लिए दूध है या फिर लाना पड़ेगा पहले। किसी जमाने में उस टंकी पे वहां पे बिहारी मोहल्ला करके लिखा हुआ था, जो थोड़ा सा वो ब्लू ब्लू हिस्सा दिख रहा है वहां पे बिहारी मोहल्ला करके लिखा हुआ था, लेकिन अब वो मिट गया क्योंकि उस पर काई लग गई बहुत सारी। और वहां देखो बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं। उधर का सीन कुछ भी नहीं है अभी, सूरज का नाम और निशान भी नहीं पता, सूरज कहीं खो गया है क्या, बिकॉज अभी टाइम हुआ 6:35, तो शायद अभी सूरज नहीं उगेगा। जैसा कि रोज होता है घर में दूध नहीं था, दूध लांजाना पड़ रहा है। और देखो इसको मैं नींद में उठा लिया, फिर भी देखो पैसा देखते हंस रही है, रो नहीं रही है, अच्छी बात है। मेरे लिए दूध और इसके लिए कुरकुरे दोनों आ गए भाई। अब चलते हैं घर पे, चाय बनाएंगे और इसको कुरकुरे खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे। दूध पिएगा? सिर्फ कुरकुरे खाएगी, दूध नहीं पिएगी। आज सूरज उगने थोड़ा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, सूरज उगने के साथ एक नया काम आ गया, इस टंकी को नीचे तक लेके जाना। टंकी वैसे दिखने में ज्यादा वजन कर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत वजन है। आई थिंक सो कि इसमें अब अप टू 70 किलो तो होगा ही। अब इसको चार आदमी मिलके भी नहीं उठा पा रहे, एक आदमी और बुलाया हमने फोन करके, फिर उठा के इस टंकी को लेके जाना है। तो देखते भाई कैसे उठाते, क्योंकि उठा के सीढ़ी से नीचे लेके जाना नॉट ए इजी वर्क, बट फिर भी हम लोग करेंगे बिकॉज ब्रेव। आज का तो दिन बन गया भाई, देखो अरे अरे आगे सर आराम से भाई, कैसा ड्राइवर है, इसको क्या फोर व्हीलर चलाना आएगा। अब इसको थोड़ा सामान को है ना हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं मेरे पापा के फार्म हाउस पे, जिसमें हमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा। अरे ये घटिया ड्राइवर है एकदम, देखो कैसे गाड़ी चला रहा है। सतेंद्र तेरा सपना था फोर व्हीलर चलाने का, चला रहा ना, श्याम ने सिखाया था तेरे को एक बार। अरे उधर और ठुकेगी और ठुकेगी और ठुके, हाँ आंदो आंदो। फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था, लेकिन अभी सबसे बड़ा टास्क ये है कि इसको उतारना है, और जैसे इसको चढ़ाए थे वैसे उतारना है, यानी पूरा चैलेंज भरा। और देखो हमारी हालत सबकी गंदी हो गई है, मगर कोई नहीं, फुल फन कर रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा। अब इस गाड़ी को अंदर तक ले जाने के लिए भाई इसमें से एक जगह खाली करनी पड़ेगी। कौन सी जगह है? अच्छा ये वाली है क्या, यहाँ से काट हटाओ तब जाके इस गाड़ी की एंट्री यहाँ होगी। मोड़ मोड़ आराम से देख, रोड बन गया एकदम, आगे कांटा आराम से कांटा। हाँ तू ढकेल दे, मैं देख लूंगा, ढकेल दे, नहीं देखू। हाँ रुक गया, जय माता दी, चलो भाई फाइनली अब इसको अंदर तक और ले जाना, फिर हमारा हुआ चैलेंज खत्म। और इन सबका दिल से थैंक यू। ठेले को धक्का मार के पूरी तरह से गंदा हो गया था, तो सबसे पहले नहा लिया, बिकॉज कल नहाया भी था, जल्दी नहाना ठीक था, तो कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेते भाई। सो फिलहाल टाइम हो गया 6:15 और अभी जा रहा हूँ मार्केट। आज भाई देखो धीरे धीरे कार्तिक महीना आ रहा है, तो उससे पहले थोड़ा नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि हमारा कार्तिक महीना क्या बिल्कुल नॉनवेज से रहित हो जाता है, हम उसमें नॉनवेज नहीं खा सकते बिकॉज हमारा छठ का त्यौहार होता है ना। तो अभी चलता हूँ सबसे मार्केट, कुछ चिकन वगैरह हो जाए, जो भी होगा देखेंगे आज क्या बनने वाला। वैसे मेरा मूड मटन खाने का। स्कूटी यहाँ खड़ी कर दी है भाई, अब चलता हूँ मार्केट। ओ ये क्या है, इधर तो ट्रेन क्रॉस हो रही है, हो जाता है कभी कभी ट्रेन छिड़ जाता है, इतने बार आ रहा था एक बार ट्रेन दिखानी, इस बार देखो लेकिन लग नहीं रहा कि ये पूरा क्रॉस होएगा, रोक ना देखे बीच रास्ते में। नहीं नहीं इसका पीछे का एंड आ गया भाई, वो देखो इसका एंड है, इसका मतलब ये क्रॉस जाएगा तक मैं पहुंचूंगा, अच्छी चीज़ है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस रास्ते जाता हूं तो मेरा पूरा 3-4 किलोमीटर का बचता है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर में खूब पेट्रोल पीती गाड़ी वाला, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, थोड़ा सा पेट्रोल बचाओ। वैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ पटरी पर, अच्छी बात नहीं है बिकॉज इधर उधर ट्रेन का खतरा था। सो अभी थोड़ा आगे चल के मैं आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ कि आगे क्या है, पटरी ब्लॉग बंद करता हूँ। इसे कहते भाई देखो दरिया दिली, मेरे फैंस इतने मिल जाते हैं रास्ते में, देखो एक मिल गया ये, उसने कहा चल तू कहाँ पैदल जाएगा, मैं तुझे गाड़ी छोड़ देता हूँ। घर का पड़ोसी हो के वैसे मेरा पड़ोसी है ये, कहने को फैंस तो क्या, मेरा पड़ोसी है ये। रोडों पे भीड़ तो ठीक बात है, लेकिन यार गलियों में इतनी भीड़, दिस इज नॉट फेयर ना। तो बढ़िया है देखो, थोड़ा ड्राइवर भी ऐसा ही अंधा धोंधी है, ड्राइवर की गाड़ी में पेट्रोल भी कमी है, पेट्रोल कमी है, सुई खराब है, सुई खराब है, चलो अच्छी बात है, पेट्रोल कमी है, पेट्रोल कमी, कोई नहीं तो धक्का लगा लो मेरे को, तो छोड़ दे
मेरे लोकेशन तक, जो मेरा जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी करके आया वहाँ से छोड़ दे। तो यार मैं अपनी गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ और इस भाई ने मुझे गाड़ी के पास छोड़ा है। थैंक यू वेरी मच यार नेता, आराम से आना। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और निकलता हूँ इधर से। भाई घर आ गया हूँ भाई, सामान वामान लेके सब शॉपिंग वगैरह सब कम्प्लीट। अब जा रहा हूँ, सबसे पहले गेहूँ पिसवाने का डाला था जो लेके आऊंगा, फिर उसके बाद अपने काम वाम में लग जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना मटन अपने हाथों से बनाऊंगा। चिकन इन लोगों के लाया हूँ, मटन मेरे लाया हूँ, तो मटन में अपने हाथों से बनाऊंगा, बाकी चिकन का काम ये जाने। बिकॉज क्या है ना, जो हम बनाते वो स्वादिष्ट बनता है, ये बनाते वो तो ऐसे काम चलाओ बनता। सो यार फिलहाल टाइम हो गया है 6:28, मार्केट से जैसे आया बारिश स्टार्ट हो गई तगड़ी वाली, और मैं जैसे ऊपर मटन बनाने के लिए गया पता चला कि बारिश ने तो पूरा काम ही खराब कर रखा। तो जैसे जैसे करके ऊपर चिकन तो दिन बना लिया, लेकिन भाई मैं मटन बनाने के लिए देखो यहाँ पे आया हूँ, यहाँ बना रहा हूँ गैस पे मटन बना रहा हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यार देखो हम लोगों ने लकड़ियां की बारकी सब कुछ, ये तो भाई बिल्कुल वो हो गया है कि जब भी हम चिकन मटन बना जाते हैं ना तब भी बारिश आ रही है। मुझे एक टाइम की बात याद आती है, जब हम स्कूल में थे तब हमसे लोग पूछते थे कि क्या आप नॉनवेज खाते हो, तो मैं बहुत शर्माता हुआ कहता था कि नहीं मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाता हूँ। तो एक बार एक क्लासमेट ने मुझे गलती से चिकन मंडी में देख लिया, मीट मंडी में चिकन खरीदते हुए, तो पता मैंने उसे पर्सनली जाके रिक्वेस्ट की कि तू स्कूल में किसी को मत बताना ये चीज कि मैं नॉनवेज खाता हूँ। और आज देखो ऐसा दिन आया कि मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि हाँ भाई देखो मैं मटन बना रहा हूँ, चिकन ऊपर बन चुका है। सही में यार दिन बदलते टाइम लगता है, लेकिन स्कूल वाले दिन मस्त है जो भी था। फिलहाल तो भाई जो भी है पहले इसको पकाओ, टेस्टी बनाना ज्यादा चैलेंज फुल है। बिकॉज क्या है, मेरे घर वालों को मैंने बोलता हूँ कि तुम टेस्टी खाने जाते हो, तो उन्होंने बोला कि आज देखते तो कितना टेस्ट बनाता है। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये देखो इसका स्टार्टिंग लुक आ चुका है, इसका अंधेरा आ रहा तो दिखेगा नहीं आपको, और मेरे हॉल में बहुत अंधेरा है, लेकिन फिर भी देखो हमने जुगाड़ के चार चार पांच प्लेस लगा रखा, मेरे चेहरे प्लेस चल रहा है देखो, ताकि किसी भी तरह से अच्छा इम्पैक्ट आता रहे। तो फिलहाल सबसे पहले खाना बनाते भाई। आज तो बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है भाई, टाइम हो गया 11:24 रात के, कुछ ज्यादा ही गॉसिप चल गई साजन के घर पे, तो अभी जस्ट आया हूँ। आते ही भाई सबसे पहले थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो रहा, मुंह धोया, उसके बाद कुछ करूंगा, खाना ऑलरेडी खा लिया, सुबह उठ के बस एडिटिंग करना। और भाई आज का दिन रहा कुछ इंटरेस्टिंग, रहा दिन भर तो ऐसा रहा गर्मी, लेकिन रात में तगड़ी वाली बारिश आई है। अब देखते हैं इस बारिश के बाद कल की गुड मॉर्निंग कैसी होती है, मतलब कल ठंड में कुछ बदलाव आता है कि नहीं आता, गर्मी कुछ कम होती है कि नहीं होती है। मेरे हिसाब से ये बारिश के बाद ठंड बढ़ जानी चाहिए, आई होप, बस यही उम्मीद है, बाकी देखते क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और देखो मेरी आलस का आपको मैं दिखाता हूँ, अभी तक मैंने यहाँ पे फोटो फ्रेम लगाया, कल मैं पक्का लगा दूंगा। तो भाई इसी के साथ आपको गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।